हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विनय, कुकिंग फार्मूला क्रिएटर। वॉच एंड कुक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नॉन वेज का एक रेसिपी मैं शेयर करने जा रहा हूं। जी हां, पफ द फिश का। इस फिश में फैट बहुत कम होते हैं और इस रेसिपी में कोई भी वेजिटेबल्स यूज नहीं होता है। ठीक है, रेसिपी का नाम है पापता झाल, यानी तीखा पापता और स्पाइसी पापता। तो शुरू कर रहा हूँ। देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डाल दिया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सूखा मिर्च मैंने लिया है एक, और मुझे हरा मिर्च लिया है तीन। ठीक है, ऐसे लंबा लंबा करके काटना है। और ये जो है कालो जीरा बोलते हैं हम लोग इसे, कलौंजी। कलौंजी आधा चम्मच से कम लेना है आपको। ठीक है, आधा चम्मच से कम मतलब एक चौथाई लेना। और यहाँ पे मैंने नमक लिया है आधा चम्मच, और हल्दी पाउडर भी आधा चम्मच। हल्दी पाउडर कम, क्योंकि हम इसमें कोई भी वेजिटेबल्स यूज नहीं करेंगे इसलिए। और जीरा पाउडर लिया है एक चम्मच। ठीक है, सूखा मिर्च जो पाउडर है वो लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, वहाँ पे मैंने देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने डाल दिया है। अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो एक चम्मच लीजिए आप, और कम पसंद है तो आप आधा चम्मच लीजिए। मेन चीज़ है जो कलौंजी है वो यहाँ पर जैसे क्या। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो ग्रीन चिली वो अलग करके रखा और ड्राई चिली भी अलग करके रखा। और बाकी जो है यहाँ पे हम घोल बनाएंगे, सब मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, सूखा मिर्च पाउडर, नमक, सब एक साथ मिक्स करेंगे पानी में। पानी के अंदर, पानी में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लिया मैंने पूरा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब कुछ डाल दिया है, क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट। मस्टर्ड ऑयल डाला है, तेल थोड़ा ज़्यादा है इसमें, 7 चम्मच मैंने डाला है तेल। सरसों का तेल और अदरक मैंने पेस्ट करके रखा है, अलग वो दिखाएंगे हम, अदरक डालेंगे। तेल गरम होने देंगे सबसे पहले। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डाल देता हूँ क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम वो जो पापता माँ है ना, वो सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। मैं फ्राई कर रहा हूँ, फ्राई करके अलग करके रखेंगे। फ्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा और डाल दिया मैं। पहले 5 चम्मच डाला था, अभी और 2 चम्मच डालूंगा। अब इसी तरह से हम तड़का लगाएंगे। फ्राई करने के बाद जो तेल रह जाता है ना, उसमें हम तड़का लगाएंगे। मछली के अंदर अंडा भी है, ये देखिए अंडा दिखाई दे रहा है, अंडा भी है, बहुत टेस्टी है। ये देखिए, मैंने फ्राई करके पहले उसमें ये अलग करके रख लीजिए। अब डालना है सूखा मिर्च, एक फ्लेवर के लिए डाला मैंने। ये है, मैंने डाला है कलौंजी। हम लोग तो इसे कालो जीरा बोलते हैं। एक है जीरा और ये है कालो जीरा, मतलब काला जीरा, काला है कालो जीरा, कलौंजी। ज़्यादा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। एक चौथाई, आधा चम्मच से कम मैंने डाल दिया है।
दोबारा बता रहा हूँ, इस रेसिपी में कोई भी सब्जी का यूज़ नहीं होता है। अब मैं आधा चम्मच डाल रहा हूँ अदरक पेस्ट, मतलब ज़्यादा पेस्ट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, ज़्यादा पेस्ट नहीं। अब मैं ग्रीन चिली डाल रहा हूँ, बड़ा मिर्च डाला मैंने, थोड़ा समय रहने देंगे। थोड़ा टाइम के बाद वो जो घोल बना के रखा था मैंने, नमक, हल्दी, सूखा मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, वो मैंने डाल दी। इस मसले में फैट बहुत कम होते हैं, फैट्स बहुत कम होते हैं, ये एक फायदा है इसे। कम मात्रा में है, लेकिन कम मात्रा में। कुछ समय पकाएंगे, इस रेसिपी का गेम चेंजर है कलौंजी का जबरदस्त फ्लेवर है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। कालू जीरा, उनका झाल, पापता झाल, मतलब तीखा, मतलब स्पाइसी, स्पाइसी पापड़ा। बीच में ऐसे कर देंगे, ये नीचे लग ना जाए इसलिए बीच में ऐसे कर देंगे। एक दिन आप ऐसे बना के आप टेस्ट कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो कभी कभी बना के ऐसे खाइए। मैंने मछली डाल रहा हूँ, मछली के अंदर अंडा भी है, डाल रहा हूँ मछली, पापता फिश, पापता। पूरा मछली डाल दिया मैंने, मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो ज़्यादा डाल नहीं पाया, इसलिए बुरा मत मानिए आप लोग, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा मेरे, इसलिए वीडियो ज़्यादा डाल नहीं पाया। ये देखिए, फ्राई करते समय अगर आप ज़्यादा फ्राई अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब चॉकलेट तो डीप फ्राई, चॉकलेट कलर कर लीजिए, ऐसे अच्छा लगता है ऐसे। अगर मोटे मोटी अगर ऐसे हल्का, मतलब लाइट ब्राउन ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे बना लीजिए लाइट ब्राउन करके, ठीक है।
आप ढक्कन भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आपका मर्जी। ये देखिए मैं प्लेट में निकाल के दिखाऊंगा आपको कैसा लगता है। निकला है, बन के रेडी निकल के रखा है। देखिए आपका छाप, कलर देखिए, और जो मछली है, मछली के अंदर, मछली का अंडा भी है अंदर। देखिए दिखाई दे रहा है, बहुत टेस्टी है। तो आप भी ऐसे बना के एक दिन बनाइए, बना के खाइए। अगर अच्छा लगता है तो कभी कभी बना के खाइए, और क्या, और अपने दोस्तों को भी बना के खिलाइए। और क्या, ये है पपता, झाल झाल पपता, तीखा पपता, स्पाइसी स्पाइसी पपता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।